આજ હે 6 તારીખ 8 માસ કી વાણી મુખ્ય રૂપ સે બાબા કહે રહે હૈ મીઠે બચ્ચે જ્ઞાન કી ધારણા કરતે રહો જ્ઞાન કી ધારણા કરતે રહો તો તુમ અંત મેં બાપ સમાન બન જાયેંગે ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे, है ना? सागर पूरा गागर में समा जाएगा। सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? क्या कहेंगे? विशालय। तो उत्तर है, उत्थान और पतन, सतोप्रदान और तमोप्रदान, शिवालय और वैश्यालय, है ना? उसमें पूरा चक्र आ जाएगा। तो ये दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। उत्थान और पतन, सतोप्रदान और तमोप्रदान, शिवालय और वैश्यालय, इन दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भगवान के साथ बातें चलती है, भगवान के साथ बातें करते करते खुश हो जाते हैं। ज्ञान माना समझ अपने आप को परिवर्तन करने की बात है। तो भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। दिल परिवर्तन करने का मार्ग नहीं, दिल खुश करने का मार्ग। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं कि तुम कितने ऊंचे थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो हम नीच हैं, है ना? अपने आप ही कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हम नीच पापी। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधे में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने, आधा कल्प विशेष रहे। अब फिर तुमको वॉइसलेस सतोप्रधान बनना है, दो अक्षर याद करना है। अभी यह है तमोप्रधान दुनिया। सतोप्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है, 5000 वर्ष की बात है। सतोप्रधान भारत में राज्य था, भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है।
वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको कितने जन्म लगे? 84 जन्म लगे, वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। बल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, है ना। सतयुग से धीरे धीरे कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। सतयुग त्रेता में कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहां बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर दो कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में दो कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं, इसको कहा जाता है विशेष वर्ष। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए, बराबर है ना। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी समझा दी है। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता सेमी स्वर्ग, यह बुद्धि में तो है ना, बाबा पूछते हैं, यह बुद्धि में तो है ना, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है, इसके लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बात करती है, कृष्ण कोई बाप थोड़ी था। आत्माओं का बाप निराकार शिव बाबा एक है, उस हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सत्य को कहा जाता है शिवालय, क्योंकि बेहद का वर्षा मिलता किससे है? शिव बाबा से, इसलिए कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना, अभी हम फिर शिवालय में जाता है। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गए, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। क्या कह देंगे? फलाना स्वर्ग बता रहा। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहां कोई रोग आदि होते नहीं है, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, सहज करके जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे बाबा कहते मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता। बल बाहर में कहां भी रहते तुम पद पा सकते हो, सिर्फ इसमें क्या चाहिए? पवित्रता। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं, या जैसे गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़ी ग्रंथ लिखा है, नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, अब गीता के लिए समझते यह कृष्ण का रूप है।
ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे कृष्ण की गीता गाई हुई है। कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। उसमें लिखा हुआ भी है कि मैं अजन्मा अभोक्ता हूं, है ना, मैं परकाया प्रवेश करता हूं, ये सब लिखा हुआ है तो भी क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान वाच। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है, गीता से ही सदगति होती है, वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, मेहनत है ना, बराबर मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। अभी कलयुग में कौन सर्वशक्तिवान है, माया भी है तो बाबा भी है, दोनों है। इसलिए माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति की बात, बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा नहीं गाई थी, उसने ही कहा है माम में कम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूं, कृष्ण साधारण थोड़ी है, वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते रहते, कितनी प्योर आत्मा होगी, ये अब तक भी उसको याद करके भी क्या हो जाता है, चेहरे पर खुशी आ जाती है। कृष्ण का ऐसा सुंदर चित्र देखो कहां भी तो भी क्या होता है, खुशी आ जाती है, मन खुश हो जाता है, चेहरा चमक जाता है। तो वो आत्मा ने कितना अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया था। कृष्ण साधारण थोड़ी है, वह तो जन्म लेते तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग है, इंग्लिश में फिलोसॉफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं, खुद कहते मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, ज्ञान का सागर हो। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे, बाप समान बन जाओगे। आगे बाबा ने सार में कहा ना कि ज्ञान को धारण कर रहे हो फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाए, बाप समान बन जाएंगे, सारा मदार धारणा पर है। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की आस, धारणा पक्की हो और बाप को याद करो। याद को जौहर कहा जाता है, तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3000 रुपये की, 4000 रुपये की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है, गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार है पर उसको धारदार बनाना है तो योग का जौहर चाहिए, हिम्मत भी तो चाहिए, धार भी तो चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे याद से ही पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, किए हुए जन्मों जन्म के पाप बाबा कहते याद से कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे, इनको ही सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हो, कैसे सब भागे। शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, बाबा कहते इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था वैसे कल्प के बाद भी बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे।
बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, कैसा? बाप समान बनना है। नंबरवार ही बनेंगे, ये राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सत्युग आदि से कलयुग अंत तक, अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने, पावन अर्थात सत्व प्रदान। फिर खाद पड़ती गई, अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे, पुरुषार्थ, इतना बाबा गहरा पुरुषार्थ करता था, अलर्ट रह करके पुरुषार्थ करता था। मन भागता भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है, भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया, विष्णु का दर्शन हुआ परंतु वो कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है, दर्शन करने से हम कुछ बन नहीं जाते हैं, पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं, तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अब विष्णु गुरु किसका हुआ, सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा है नम, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते रहो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है टीचर है, नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी विश्वालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। बल कहते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी। हरेक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, चाहे या ना चाहे। वह कभी मिट नहीं सकता, जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है, जैसे कि नए से शूटिंग होती जाती है, परंतु ड्रामा हुबहु रिपीट होता है, पता नहीं है ना ड्रामा का। तो जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है, यानी ड्रामा को कहते हैं नथिंग न्यू बट समथिंग न्यू, क्योंकि पता नहीं है, इसलिए नए सिर शूटिंग लगता है कि नए सिर शूटिंग हो रही है, परंतु बाबा कहते हैं यह तो अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो ब्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था, वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सत्युग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, पावन दुनिया गॉडफादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते ये अनादि चला जाता है, चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं।
आधा आधा तो कर ना सके क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर आधा आधा कैसे कहे। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। गहरी नींद से सोने वाले को जगा सकते हैं, पर अज्ञान नींद से जागने वाले को जगा नहीं सकते। अभी है संगमयुग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, यह पति दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है और सत्युग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार की विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है। और माया जैसे चूहा काटता है ना वैसे आती है, तो पता भी नहीं पड़ता कि ये माया है, वो रॉयल रूप लेकर के आती है ना। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते है तो मुंह भी नहीं दिखाते है। माया से चोट खा करके गिरते हैं तो मुंह भी नहीं दिखाते है। फिर इतना उच्च पद पा न सके, पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्व विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे यह तो इम्पॉसिबल है, सन्यासी कहते हैं। बाप कहते हैं पॉसिबल है, ज्ञान है ना, भक्ति नहीं है, ज्ञान है। समझ के साथ आप आगे चल रहे हो तो सब कुछ कर सकते हो। और बाबा ने क्लियर नॉलेज दी हुई है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा। समझ लिया, पहले पता था पर समझ नहीं थी। अभी बाबा कहते दुनिया वाले कहते सन्यासी लोग कहते गांधर्व विवाह करते हैं, सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। ज्ञान होता है तो प्राप्ति का पता पड़ता है। ये अंतिम जन्म, एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? बाबा कहते बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहां कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है, यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते मां में कम याद करूं, बच्चिया बहुतों को सुनाती है परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पति से पावन बनना है। अब बाप कहते माँ में कम याद करो, ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत वॉइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वॉइसलेस कैसे बनेगा वो उनको समझा। तो कहो कि भगवान उवाच है मामे कम याद करो, बस इतना कहे तो भी अहोभाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। बाबा ने तो उद्घाटन कर लिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की बात है, गीता में भी हे बच्चों तुम काम पर जीत बनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए, बल खुद ना बने औरों को तो समझाए। ऐसे भी बहुत है औरों को उठाकर खुद गिर पड़ता है। काम महाशत्रु है, बाबा का कहना यही है, काम महाशत्रु है, कब अटैक करेगा पता नहीं है, इसलिए सतत और सदैव अलर्ट रहना पड़ेगा। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या कहा बाबा ने? ज्ञान की तलवार धारण करो और योग का जौहर से। हाँ, माया के तूफानों से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, पर अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा, जागृत जरूर रहना पड़ेगा। माया कौन से कोने से आ जाएगी, कौन से रॉयल रूप से आ जाएगी, पता ही नहीं। हमारी भाषा भी ऐसी हो जाएगी रॉयल रूप की, जो खुद को ही नहीं पता पड़ेगा कि हम माया की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए सतत अलर्ट रहना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। आएगी माया तो आएगी, विघ्न तो आएंगे, परंतु हार नहीं खानी है। ज्ञान की तलवार, योग का जौहर। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नरसे नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सत्प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। क्या करना है? मेहनत, अपने आप नहीं बनेगी। आत्मा को सत्प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। खाली मुरली सुन के चले गए तो नहीं हो जाएंगे। मुरली सुन करके बाद में क्या करना पड़ेगा? चिंतन, है ना? हम लोग कहते हैं ना, गाय जैसे खाती है तभी क्या लगता है, खाती है, फिर उसके बाद क्या करती है? वागोड़ती है। वैसे बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन सारा दिन। दूसरे दिन जब मुरली क्लास में आए ना, तब तक वो मुरली को पूरा चबा देना है, धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा कहते हैं, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों का आपस में संबंध है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक,
इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे, बातों से नहीं समझेंगे। क्योंकि जो अपने आप के पास इतना अभिमान है, अभिमान है, अपने को बड़ा समझते, अपने को ऊंचा समझते है, उसको कुछ सलाह दो तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करो, शुभ चिंतक बन, वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। वाइब्रेशन बहुत काम करता है, इसलिए सतत जो शुभ चिंतन करता है वही अच्छे से अच्छा शुभ चिंतक बन सकता है, अच्छा वाइब्रेशन फैला सकता है। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खेलो। ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। बाबा कहते मिट्टी से नहीं खेलो, है ना। ये देह की बातें, देहधारियों की बातें, ये सब क्या है, मिट्टी, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, बाबा कहते मिट्टी है। ज्ञान से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। अच्छा अंश है।